तो देखिए मेरी गुड मॉर्निंग कितने बजे हो रही है, 10:30 बजे। आप सब उठते हैं 10:30 बजे? मेरी गुड मॉर्निंग 10:30 बजे हो रही है आपके साथ। तो चलिए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपने को कहाँ से चलूँ। तो मैं रात को सोचे सो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि आज से मैं अपना ग्रुप चलूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है, फौजी वाइफ हार्ड लाइफ। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि फौजी की वाइफ की लाइफ कितनी हार्ड होती है। भाई, वो तो चले जाते हैं देश सेवा करने के लिए और हमें छोड़ जाते हैं घर सेवा करने। मुझे प्राउड भी फील होती है कि मैं एक फौजी की वाइफ हूँ। तो और मेरी फैमिली जो है वो बहुत छोटी सी फैमिली है, तो मेरी काम वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो मैं दिन भर घर में बोर बैठ जाती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, थोड़ी बहुत स्टडी कर लेती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपना ब्लॉगिंग चालू करूँ, ताकि उससे मेरी लाइफ भी बिजी हो जाएगी और मैं आप सबको भी अपनी लाइफ की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं मैं अपनी डेली लाइफ में क्या करती हूँ। तो दोस्तों, मैं नहा धोवा के पूजा कर चुकी हूँ। देखिए देखिए, अब मैं आपको अपनी आंगन की सैर कराती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पौधा लगाए हैं अपनी आंगन है। ये मेरी आंगन है, देख सकते हैं यहाँ हम बहुत सारे कितने सारे पौधे लगा के रखे हैं। यहाँ केला की पेड़ है, हम यहाँ पूजा भी करते हैं इनकी आंगन में। आपको तो पता ही है कि गांव में बहू बेटी को बाहर जाने नहीं दिया जाता है, तो हम घर आंगन में ही लगवा लिए केला का पेड़ और यहीं पर पूजा करते हैं। देखिए हमारी पपीता का पेड़, कितनी छोटी सी पपीता की पेड़ है और इतने नीचे नीचे से पपीता निकली हुई है। देखिए इतने प्यारे प्यारे बड़े बड़े पपीते हैं। ये सब पता है कैसे हुई है? ये सब मैं ना रोज चेक करती हूँ कि ये पकी है कि नहीं। मुझे पता नहीं चलता है कि पपीता कैसे पकेगी, तो इसको मैं चेक करती हूँ कि पपीता पकी है कि नहीं। और ये देखिए कुछ प्लांट लगी हुई है आंगन में। ये देखिए कितनी प्यारी सी फूल निकल के बैठी है, देखिए आप सभी। ये देखिए, मेरे को पूजा करनी होती है तो मैं यहीं से फूल तोड़ लेती हूँ। ये हम एलोवेरा का भी पेड़ लगाए हैं, ये फेस के लिए काफी अच्छा होता है। रोज सुबह सो के उठिए, फेस को एक बार वॉश कर लीजिए, उसके बाद इसे देखिए इसको इसकी जो ऊपर ये वाली जो लेयर होती है, मैं आपको सबसे बड़ी बड़ी चीज दिखाती हूँ। देखियो कितनी बड़ी आलू है, हमारे खेत से आई है। वैसे तो हर साल हमारे खेत में सब्जियां लगती थी, बट इस साल पापा आलू लगवाए क्योंकि हम सब्जियां खा नहीं पाते हैं। इतनी छोटी सी हमारी फैमिली है कि हम सब्जियां खा नहीं पाते हैं और सब्जियां बर्बाद होती है, इसलिए पापा बोले इस बार इकट्ठा खेत में आलू ही लगा देंगे ताकि एक साल चलेगी भी। तो देखिए दोस्तों, हम आपको आलू दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी आलू है। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी आलू है, कितने सारे आलू आए हैं। ये तो बस एक ही बोरा आलू आई है, अभी और आलू आनी बाकी है। वहाँ खेत में खना रहे जन सब खन रहे हैं आलू। देखिए कितनी बड़ी बड़ी आलू है, देखिए ये देखिए कैसे आलू है, ऐसा लग रहा है चिड़िया है। देखिए आप अपनी आलू की खेती करके देखिए, मैं पहले कभी आलू की खेती नहीं देखी थी, गांव आई ना तो यहाँ देखी कि आलू की खेती कैसे होती है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।